राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्र को परम वैभव दिलाने के लिए और राष्ट्र उत्थान के लिए शक्ति की उपासना जरूरी है। वे संघ की ओर से यशवंत स्टेडियम में आयोजित नवोत्साह सामूहिक शारीरिक प्रात्यक्षिक प्रदर्शन व प्रतिस्पर्धा 2020 कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर सरकार वायर भैयाजी जोशी, विदर्भ प्रांत संघ चालक राम हरकरे, महानगर संघ चालक राजेश लोया, सह संघ चालक श्रीधर गाड़के मंचा सिंह थे। भागवत ने कहा कि संघ की शाखा को नित्य तपस्या के रूप में करना अपेक्षित है, क्योंकि स्वयं सेवकों का गुण निर्माण होने की दृष्टि से इस कार्यक्रम का बड़ा महत्व है। योग्य बनने की साधना इस कार्यक्रम द्वारा की जाती है। भागवत ने कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। देश स्वतंत्र है, इसलिए स्वतंत्रता कायम रखने व राजकाज सुचारू चलाने की जिम्मेदारी हम सब की है। अंग्रेजों को दोष देने से काम नहीं चलेगा, सामाजिक अनुशासन का पालन करना होगा। देश में कुछ भी भला बुरा हुआ तो उसके लिए हम सब जिम्मेदार रहेंगे। सबको साथ लेकर चलने से मन स्वच्छ होता है। ज्ञान का मतलब जानकारी को योग्य दिशा देना व लक्ष्य निर्धारित करना है। समाज में अपेक्षित परिवर्तन के लिए उसी तरह के व्यवहार की आवश्यकता है। अश्वम नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च नैव च अजापुत्रो बलिं दद्यात् देवो दुर्बल घातकः, ऐसा सुभाषित है कि देवता भी बलि मांगते हैं तो घोड़े के लिए ना कहते, लात मारेगा। हाथी इतना प्रचंड है, उसकी बलि कौन चढ़ाएगा, उसको तो सभी डरते हैं और शेरों को भी डरते हैं। तो बकरी अच्छी है, कुछ नहीं कर सकती, उसका उसकी बलि चढ़ाओ, ऐसा देवता भी कहते हैं। ऐसा पुराना सुभाषित है। ये शक्ति का महत्व है, वो शक्ति इन कार्यक्रम, क्योंकि ये शारीरिक कार्यक्रम है, शरीर की मेहनत से, मेहनत की अभ्यास से ये शक्ति बनती है केवल। लेकिन आपके ध्यान में आ गया होगा, केवल शक्ति शारीरिक ताकत नहीं बनती, दम और साहस के साथ साथ इन तीनों को नियंत्रण में रखने का संयम भी इसमें से बनता है। और सामूहिकता की बनती है। ये सारे विषय आपने देखे, वो व्यक्तिगत प्रावीण्य के भी विषय है, लेकिन संघ में व्यक्तिगत प्रावीण्य की स्पर्धा होती नहीं। ये सारे कार्यक्रम साथ में करने हैं, निश्चित काम निश्चित क्रमांक पर सबका होना चाहिए, सबका साथ आना चाहिए। चलते समय ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए गुण सुमने मी वेची अली या भावे कि तिने सुगंधा घ्यावे, जरी उद्धरणी व्यजन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा, ऐसा मातृभूमि के प्रति कहने वाले सावरकर जी के इस भावना का प्रत्यक्ष आचरण करने वाली यह साधना है। ऐसा शील बनता है स्वयं, छोटी छोटी कृतियों में से आदत बनती है, आदतों में से स्वभाव तैयार होता है, स्वभाव से मनुष्य की प्रवृत्ति यानी शील बनता है। बौद्धिक कार्यक्रमों के द्वारा अनेक कठिनाइयों से भरे इस कंटकाकीर्ण मार्ग में से राष्ट्र के और मानवता के उत्थान का इस कार्य को आगे ले जाने की कुशलता, उसका ज्ञान, ज्ञान यानी केवल जानकारी नहीं, ज्ञान यानी उस जानकारी का उपयोग करने की दिशा, उसका लक्ष्य, और इन दोनों से निर्धारित होने वाला उसका तरीका, ये ज्ञान कल्याण के लिए ही उपयोग में आएगा। ये सारी बातें उस ज्ञान में है, वो ज्ञान ही इन कार्यक्रमों से मिलता है, वीरवृत्ति मिलती है, परिश्रम पूर्वक लक्ष्य की ओर सतत बढ़ना, कठिनाइयों के बावजूद हटना नहीं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है, सब साथ में रहे, इसलिए अपने गति को नियंत्रित करना जानता है, अपनी गति बढ़ाते बढ़ाते सबकी गति को बढ़ाता है। ये मनुष्य निर्माण का कार्य इन कार्यक्रमों की साधना में से होता है।
और इसलिए ध्यान में नहीं आता, लेकिन इनका महत्व अपरंपार है। ये आदत है, कृतियां है, छोटी छोटी सरल सीधी सादी, उसमें से आदत बनती है, उस आदत से स्वभाव और स्वभाव से शील, ये पद्धति है। और ये सारा इसलिए किया जाता है कि हमको अपने राष्ट्र को परमवैभव संपन्न बनाना है। भागवत ने कहा कि कार्य छोटा हो या बड़ा, उसका आधार शक्ति है। शक्तिहीन को कोई महत्व नहीं होता, दुर्बल होना एक दोष है। इस कार्यक्रम के जरिए शरीर मेहनत व अभ्यास से शक्तिशाली बनता है। केवल शरीर ताकतवर नहीं बनता, बल्कि इससे साहस का निर्माण होता है और उसे नियंत्रित रखने के लिए संयम के गुण भी आता है। सामूहिकता तैयार होती है, सामूहिकता से अनुशासित होते हैं, साथ चलते चलते मन भी साथ होता है। अनुशासन, भक्ति और विवेक इस कार्यक्रम से मिलता है। अपनी बुद्धि का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि विश्व को मान्यता देने वाला भारत दोबारा खड़ा करना है, इस भव्य लक्ष्य के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान अमर कुलकर्णी ने गीत पेश किया, स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के गीतों की प्रस्तुति की गई। राजेश लोया ने आभार माना, स्वयं सेवकों ने गण समता, युद्ध, योगासन, योग, मिश्र शारीरिक समता, दंड, विशेष नियुक्त, व्यायाम, योग पेश किए गए। बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।